नमस्ते, मैं वर्षा और आज हम बात करेंगे एक हीलर हमारी कैसे मदद कर सकता है अपने हीलिंग के ज़रिए और वो कैसी तब्दीलियां हमारी ज़िंदगी में ला सकता है जिससे हम सुख शांति और चैन से अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो पहली बात देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ में फंस जाते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे हमारा करियर हो, चाहे हमारे रिश्ते हों, चाहे हमारा आध्यात्मिक जीवन हो, और हम फिर सोचने लगते हैं कि पता नहीं पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जो अब तक भुगत रहे हैं। तो वही मेरा पॉइंट है, एक हीलर आपकी मदद कर सकता है आपको ये पता लगाने के लिए कि वो कौन सा कर्म था, कौन से जन्म का, जिस जो आपने उस टाइम किया और उसका किया धरा अब भुगतना पड़ रहा है। तो सबसे पहले वो कर्मा आपके लिए आइडेंटिफाई करेगा, पहचानेगा या पहचानेगी, क्योंकि हीलर मेल या फीमेल होते हैं। और उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो फिर आपकी हीलिंग करेंगे, ठीक है। एक जब हीलर आपको बेटर फील कराता है, आपकी मदद करता है, उस पूरे प्रोसेस को हम हीलिंग कहते हैं। एक तरह से वो आपका इलाज करता है, ठीक है, उस इलाज की प्रक्रिया को हम हीलिंग कहते हैं, क्योंकि वो हीलर करता है इसलिए हीलर से हीलिंग, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम इस जन्म में भी, जो हमारा ये प्रेजेंट जन्म चल रहा है, उसमें कुछ दिक्कतें इस वजह से भी आ सकती हैं क्योंकि हमने बहुत सारी अपनी इच्छा शक्ति सोच अपने आगे आने वाले जन्मों पर केंद्रित कर रखी है, ठीक है, मतलब जो जन्म हमारा अभी हुआ भी नहीं है। तो हीलर उस स्थिति में आपके अगले जन्मों की बात बताकर भी कर्मा बैलेंस कर आपकी ये वाली जो जिंदगी आप जी रहे हैं उसमें बैलेंस ला सकता है अपनी हीलिंग के ज़रिए, ठीक है। दूसरी बात है, कई बार हमें दिक्कतें आती हैं हमारे रिश्तों में, पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, हमारे हस्बैंड वाइफ के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बेटा है बिटिया है या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ कर ली हमने, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ये रिश्ता संभल नहीं रहा, इसमें तो भाई सुख और शांति आ ही नहीं रही, तो मुझे क्या करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे केसेस में हीलर हमारी मदद बहुत अच्छे से कर सकता है। जब हम हीलर के पास जाते हैं तो हम उसे पूरी बात बताते हैं कि क्या हुआ था, पेरेंट्स के साथ ये दिक्कत हुई थी या मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये दिक्कत हुई थी, गर्लफ्रेंड के साथ ये दिक्कत हुई थी, बेटी के साथ ये हुआ था या बेटे के साथ या किसी के साथ भी, दोस्त के साथ। वो हीलर पूरी बात आपकी सुनेगा और फिर वो आपके हृदय को हीलिंग भेजेगा, चाहे लाइट ट्रांसमिशन से, प्रार्थना करके, या वो जो भी अपना प्रोसेस फॉलो करते हों, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत तरह तरह के किस्मों के हीलर्स हैं जो अलग अलग पद्धति से आपकी मदद कर सकते हैं। माफ़ कीजिए। और अब जब हमने रिलेशनशिप की बात की तो आप रिलेशनशिप में कुछ भी हील कर सकते हैं। मान लीजिए शायद आपके पेरेंट्स को लेकर या किसी और रिश्ते को लेकर रिश्तों में गर्माहट कम हो गई है, और जब आपकी हीलिंग होती है तो आप सब कुछ ठीक हो जाता है, वापस वो खुशी, चैन, सुख और शांति सब कुछ आ जाता है। तो ये हीलिंग से पॉसिबल है, एक बार भरोसा करके देखिएगा। फिर हम आते हैं करियर पे। मान लीजिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपने बहुत सारे एग्जाम दे लिए, लेकिन कहीं से भी आपको एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है और आप बहुत दुखी हो चुके हैं कि मैं जब भी मेहनत करता हूँ या करती हूँ सब कुछ खराब हो रहा है, तब आप हीलिंग सेशन ले सकते हैं एक हीलर से, उनको ये बात बताकर कि आप कितने टाइम से मेहनत कर रहे हैं एक पर्टिकुलर करियर में जाने की, लाइन में जाने की या सब्जेक्ट लेने की, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है। हीलर अपनी शक्ति से, अपनी प्रोसेस से, हीलिंग के ज़रिए वो रुकावटें जो हैं आपकी लाइफ से निकाल सकता है या निकाल सकती है। तो आप करियर से रिलेटेड भी हीलिंग अगर आप ग्रहण करें, रिसीव करें, तो उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। प्रोफेशनल लाइफ में मान लीजिए आपके बॉस से झगड़ा चल रहा है, कोई तनाव का माहौल है, या फिर मान लीजिए आपके ग्रुप में आपसे जो आपके कलीग हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट हैं, जो आपके साथ काम करते हैं या आपके अंडर काम करते हैं, उनसे जो है एक बहुत अच्छा सा एक रैपो नहीं बन पा रहा, कनेक्शन अच्छा नहीं बन पा रहा और आप बहुत परेशान हो रहे हैं। आपने कई बार कोशिश कर ली साथ में खाना खाकर, कहीं बाहर घूमने जाकर, मूवी पे जाकर, लेकिन वो एक कनेक्शन अच्छा नहीं बन रहा है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए भी आप हीलर का सहारा ले सकते हैं। आप हीलर को बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ ऑफिस में, मैं कुछ भी करूं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कनेक्शन अच्छा नहीं बन रहा, लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, जिस वजह से सेल्स में वृद्धि आ रही है या घट रही है चीज़ें, और मैं जानता हूं कि हमारा टारगेट अचीव हो सकता है लेकिन लोगों में एक वो भाईचारा नहीं है।
तो मैं उसके लिए क्या करूं? तो जब आप हीलिंग रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे, उससे भी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है आपके ऑफिस से रिलेटेड। चाहे प्रमोशन की दिक्कत हो रही हो, आपको प्रमोशन नहीं मिली, या मान लीजिए आपकी सैलरी बहुत टाइम से जो है बढ़ नहीं रही है, मान लीजिए आपको बाहर ट्रैवल करना है, आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे कहीं, इन सब चीज़ों के लिए हीलिंग आप ले सकते हैं। और हीलिंग कराने के बाद इन सब चीज़ों में आप बहुत अच्छे से प्रोग्रेस देखेंगे। आप देखेंगे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो धीरे 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 सॉल्व हो रही है। ठीक है, फिर हम मूव ऑन करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की शादी की दिक्कत हो रही है, आपने बहुत टाइम से कोशिश की, 2-3 जगह एंगेजमेंट हुई और टूट गई। ठीक है, हो सकता है कई बार शादी टूटी है, कई बार डिवोर्सेज हुए हैं, कोई भी ऐसी समस्या हो जो शादी से रिलेटेड है या पार्टनरशिप से रिलेटेड है, तो आप हीलिंग करा सकते हैं, जिससे पैटर्न्स का पता लगता है कि क्या पिछले जन्म में भी ऐसा हुआ था कि इसी सेम इंसान ने आपको धोखा दिया था, या वो आपको छोड़कर चले गए थे या चली गई थी, या शायद वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए थे, इस वजह से ये लव ट्रायंगल है। तो ये कर्मा बैलेंस हो सकता है। आप हीलिंग कराएंगे तो उस इंसान से जो ये आपकी गलत तारें जुड़ी हैं, मतलब गलत तो क्या कहूँ, दुख वाली तारें जुड़ी हैं या कोई कर्मा की तारें जुड़ी हैं, तो वो हट सकती हैं। आपका हृदय साफ हो सकता है हीलिंग से, और वहाँ जब आपके हृदय में बैलेंस बनेगा, वहाँ प्रेम आएगा, तो ऑटोमेटिकली आप एक बहुत अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो कार्मिक हो या धार्मिक हो। ठीक है, तो हीलिंग से आपको मदद मिलेगी। रिश्तों में कोई भी प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको सारी एग्जाम्पल्स दिए, चाहे वो भाई बहन हो, माँ बाप हो, दोस्त हो, कलीग हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो आपके, कोई भी हो, ये आप हीलिंग के जरिए सब ठीक कर सकते हैं। अगली बात आती है कि आप और क्या कैटेगरी में हीलिंग के सेशंस बुक करा सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि मान लीजिए आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं, आपकी तबीयत किसी वजह से बहुत टाइम से ख़राब चल रही है, या मान लीजिए आपका आस्थमा ठीक नहीं हो रहा, या आर्थराइटिस की शिकायत है, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, ट्यूमर, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनका कई बार मेडिकल साइंस इलाज नहीं कर पाती, पर हीलिंग से वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। ये मेरे खुद का अनुभव है, मेरे से काफ़ी लोगों ने हीलिंग प्राप्त की है, और भगवान की दया से मैं खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि मैंने लोगों के ट्यूमर तक को ठीक किया है। ये मैं नहीं कहूँगी, मैं हम कहूँगी, क्योंकि एक मेरी टीम है, मेरे पूर्वज हैं, मेरे गाइड्स हैं, मेरे एंजल्स हैं, जिन्होंने मेरे ज़रिए उन लोगों को ठीक किया। तो आर्थराइटिस, आस्थमा, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, ट्यूमर, कोई भी बीमारी है, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, ये सारी चीज़ें हीलिंग से बिल्कुल अच्छी हो जाती हैं। डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए हीलर्स का भी एक दायरा है, हम नेचुरल लॉज को क्रॉस नहीं कर सकते, हम नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर देखिए मुझे ये बताया गया, मेरे गाइड्स ने मुझे ये बोला कि वर्षा, इस इंसान का इलाज तुम सिर्फ 2 या 3 महीने कर सकती हो, तो मैं ये आपको साफ साफ कहूँगी कि देखिए हीलिंग 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे इसके आगे की आज्ञा नहीं मिली है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट आता है हीलिंग में, हीलर भगवान नहीं होता, पर भगवान ने हीलर को इसीलिए भेजा है आपकी ज़िंदगी में कि वो आपकी मदद कर सके, जितनी वो कर सकता है या कर सकती है। फिर हम आगे आती है बात आध्यात्मिक जीवन की। एक हीलर आपके आध्यात्मिक जीवन में अगर कोई ब्लॉक है, मान लीजिए आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, आपको ठीक से नींद नहीं आ रही, आपको यूनिवर्स के मैसेजेस नहीं समझ में आ रहे, आपसे ब्रह्मांड मंडल से बहुत सारे गाइड्स, एंजल्स या दिव्य आत्माएं बात करती हैं, लेकिन आपको वो मैसेजेस समझ ही नहीं आ रहे, आपको पता है कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप नहीं समझ पाते, तो हीलर की मदद से आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको रास्ता खुद ब खुद अच्छे से दिखाई देने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको कोई भी तकलीफ है, मान लीजिए आपको डिप्रेशन है, या आपको सेल्फ एस्टीम की दिक्कत है, आपको लगता है कि शायद मैं लायक ही नहीं हूँ कि मुझसे कोई प्यार करे, शायद मैं एक अच्छी नौकरी के लायक नहीं हूँ, शायद मैं एक अच्छे रिश्ते में जाने के लायक नहीं हूँ, इन सब चीज़ों का हल हीलिंग से हो जाता है। आपको इन सब समस्याओं का हल मिल जाएगा, आप एक सुख शांति का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, आपको खुशी मिलेगी लाइफ में जब आप अपनी हीलिंग कराएंगे। और हीलिंग का तरीका कुछ भी हो सकता है, मैं एक और दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि हीलिंग के कौन कौन से दूसरे तरीके हैं, और आप कैसे हीलर्स को कॉन्टैक्ट करके उनसे अपने लिए मदद मांग सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है कि कैसे एक हीलर अपनी हीलिंग से आपकी ज़िंदगी में कितने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है या कर सकती है, चाहे वो रिश्ता हो,
चाहे वो आपका करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी तबीयत हो, किसी अपने की तबीयत हो, चाहे प्रॉपर्टी इश्यूज हो, चाहे पैसे की दिक्कत हो। कई बार आपको लगता है कि आपकी सैलरी इससे भी ज़्यादा हो सकती थी लेकिन आपको पैसे ही नहीं मिल रहे, कुछ लोगों ने उधार ले लिया वो आपको वापस ही नहीं दे रहे, इसमें भी हीलिंग काम आती है। क्या पता कोई कर्मा बनता हो कि आपने किसी जन्म में उधार इतने ले लिए और उनको चुकाया भी नहीं, इस वजह से उन सोल्स ने फिर आकर इस जन्म में आपसे उधार ले लिया कि कर्मा बैलेंस हो जाए। देखिए, हर चीज़ का जवाब होता है और जवाब तभी समझ में आता है जब आप अंदर से तैयार हों। तो उस अंदर की तैयारी के लिए एक हीलर आपकी मदद कर सकता है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दी, थोड़ा सा ये आपको एक मतलब मैं आपसे कहूँगी कि जानकारी दी कि आप किस किस्म के सवाल हीलर से कर सकते हैं और कैसे हीलिंग से आपके जीवन में हर एक समस्या का समाधान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया, मेरी वीडियोस को देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे इतना एनकरेज करते हैं और आप ही के प्रोत्साहन से मैं आज यहाँ पर पहुँची। बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान करे आपकी हर इच्छा पूरी हो। थैंक यू सो मच। नमस्ते।